सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। किसान संगठन अब तक ये तय नहीं कर पाते हैं कि सरकार से बातचीत होगी भी या नहीं। होगी तो कब होगी? सरकार की तरफ से 5 दिन में 2 न्योते भेजे जा चुके हैं। किसान संगठनों की बैठक भी हो रही है, लेकिन अब तक जितनी भी बैठक हुई है सब बेनतीजा साबित हुई है। आज एक बार फिर से किसानों का संयुक्त मोर्चा फिर बैठक करने वाला है। आज की बैठक में सरकार से बातचीत की रूपरेखा तैयार होगी, तारीख तय हो सकती है। बातचीत के लिए 5 दिन में सरकार की तरफ से 2 चिट्ठी, प्रधानमंत्री की अपील, गृह मंत्री की अपील, कृषि मंत्री की अपील, राज्य सरकारों की अपील, लेकिन इसके बावजूद भी किसान टस से मस होने को तैयार नहीं। नए कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर महीने भर से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर खूंटा गाड़ कर बैठे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों को सिरे से खत्म करने की जिद पाल ली है। सरकार की तरफ से किसान संगठनों को रविवार के बाद गुरुवार को भी न्योता भेजा गया। सरकार के न्योते पर किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन किसान अब तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि सरकार से बातचीत करनी चाहिए या नहीं। आज किसान संगठन फिर बैठक करने वाले हैं, जिसमें सरकार से बातचीत की संभावना और एजेंडे पर चर्चा होगी। कहा भी असी किसानों के सारे इशुआ ते गल करन लई तैयार हैं, गलबात करन लई तैयार हैं, बातचीत करन लई तैयार हैं। पर असीं कहने भी साढ़े तो इशू है, इको इशू है साडा भी, जो 3 नवे खेती कानून है वह 3 नवे खेती कानून संविधानक तौर पर भी वह गैर संविधानक है, तो किसानों के हितों से सट मारन वाले है, कारपोरेट सैक्टर के हितों इंट्रस्ट न पालन वाले है, वह 3 कानून रद्द किए जाए। यही डिमांड है, यही साडा इको इशू है, सिंगल इशू है, असीं होर सारे इशू छड़ते। किसान संगठन आखिर सरकार से बातचीत की तारीख क्यों तय नहीं कर पाए हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। किसान आंदोलन किसी एक संगठन या एक पार्टी का नहीं है, इसमें 40 किसान संगठन दमखम दिखा रहे हैं। हर संगठन के नेता का अपना रसूख है, रौब है और विचारधारा भी। कुछ संगठन कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी नहीं चाहते, वहीं कुछ संगठनों ने बीच का रास्ता सुझाते हुए सरकार से बातचीत को जायज ठहराया है। ऐसे संगठनों को लगता है कि बातचीत के बिना आंदोलन को किसी मुकाम तक पहुंचाना संभव नहीं है। हल बातचीत की टेबल पर ही निकल सकता है। इन्हीं संकेतों के बीच ये माना जा रहा है कि सरकार से बातचीत के बारे में कुछ तय हो सकता है। मैं आंदोलनकारी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं वह किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, किसान को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं, खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं, खेती के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं। और इसलिए उन सबको ये चाहिए कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर टेबल पर वार्ता के लिए आए, लेकिन आंदोलन। कृषि मंत्री किसानों से अपील कर रहे हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी किसानों को बातचीत की डेट फाइनल करने की अपील कर रहे हैं। आज से किसान हरियाणा में टोल नाकों को फ्री कराने की कैंपेन शुरू करने वाले हैं। ऐसे में आज हरियाणा के टोल नाकों पर हंगामे के आसार हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से अपील की है कि टोल नाकों को बंद करके नहीं बल्कि बातचीत से समस्या का हल निकलेगा।
के बातचीत के मंच पर आएं और बातचीत में जो उनको एतराज है इन बिलों के ऊपर क्लोज टू क्लोज बातचीत करें और उसके लिए सरकार मानने के लिए तैयार है। बहुत सी ऑफर तो सरकार ने दे भी दी है, 8-9 प्रावधान ऐसे हैं जिसको बदलने के लिए सरकार ने कहा है। तो ये आखिर तो लोकतंत्र में बातचीत ही एक माध्यम होता है, जिद पकड़ना नहीं चाहिए। और ये जिद पकड़ के बैठे हैं कि नहीं ये करो तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे, ये अच्छी नहीं है, इसलिए बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है और आज का दिन इस आंदोलन में अहम दिन साबित हो सकता है अगर किसान सरकार से फिर से बातचीत को तैयार हो जाएं। ऐसे में आज सबकी नजरें किसानों की बैठक पर टिकी हैं।